नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं वीना कुमारी एमएल खन्ना डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 द्वारका नई दिल्ली से। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 2 चतुर कौवा पढ़ने जा रहे हैं। चतुर कौवा एक कविता है और यह कविता श्री शशिपाल शर्मा द्वारा लिखी गई है। पाठ शुरू करने से पहले क्या कोई मुझे चतुर शब्द का अर्थ बता सकता है? चतुर शब्द का अर्थ है होशियार, समझदार। तो आइए अब पाठ शुरू करते हैं। बड़ी प्यास से मारा मारा भटक रहा कौवा बेचारा, गांव गांव में नगर नगर में पानी ढूंढ न पाया हारा। चलिए एक बार साथ में पढ़ते हैं। बड़ी प्यास से मारा मारा भटक रहा कौवा बेचारा, गांव गांव में नगर नगर में पानी ढूंढ न पाया हारा। तो यह कविता एक कौवे के बारे में है और वो कौवा कैसा है? वो कौवा बहुत ही प्यासा है। वो पानी की तलाश में जगह जगह घूम रहा है पर उसे पानी कहीं भी नहीं मिल रहा। तो वह पानी को ढूंढने कहाँ कहाँ गया? कौवा पानी को ढूंढने गांव गया, नगर गया, परंतु उसे पानी कहीं भी नहीं मिला। अंत में वह पानी को ढूंढते ढूंढते हार गया। सहसा एक घड़ा जो देखा, पर पानी था थोड़ा उसमें, कंकड़ कंकड़ चुनकर कौवा लगा फेंकने बीच घड़े में। चलिए एक बार साथ में पढ़ते हैं। सहसा एक घड़ा जो देखा, पर पानी था थोड़ा उसमें, कंकड़ कंकड़ चुनकर कौवा लगा फेंकने बीच घड़े में। सहसा, सहसा शब्द का क्या अर्थ है? अचानक। सहसा शब्द का क्या अर्थ है? अचानक। अचानक कौवे को एक घड़ा नजर आता है। जब वह घड़े के पास जाता है तो देखता है उस घड़े में पानी बहुत ही कम है। थोड़ा मतलब कम, थोड़ा मतलब कम। उस घड़े के अंदर पानी बहुत ही कम है। जब कौवा घड़े के आसपास नजर दौड़ाता है तो उसे वहां पर कंकड़ नजर आते हैं। कंकड़ क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर। फिर वह क्या करता है? वह उन कंकड़ों को चुन चुन कर उस घड़े के बीच में फेंकने लगता है। और उससे क्या होगा? उससे घड़े के अंदर जो पानी है वह ऊपर की तरफ आ जाएगा। घड़े की गर्दन तक जब पानी पहुंचा तब निज प्यास बुझाई, अक्ल और मेहनत के बल पर किसने नहीं सफलता पाई। चलिए एक बार साथ में पढ़ते हैं। घड़े की गर्दन तक जब पानी पहुंचा तब निज प्यास बुझाई, अक्ल और मेहनत के बल पर किसने नहीं सफलता पाई। जब उसने कंकड़ों को चुनकर घड़े में डाला तो घड़े का पानी ऊपर की तरफ आ गया, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। और उसने उसके बाद क्या किया? घड़े की गर्दन तक जब पानी आ गया तो कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। यहाँ पर निज शब्द का क्या अर्थ है? अपना। जब हम पानी पीते हैं तो अपनी प्यास बुझाते हैं, उसी तरह से कौवे ने भी अपनी प्यास बुझाई। अक्ल और मेहनत के बल पर। अक्ल शब्द का क्या अर्थ है? बुद्धि, दिमाग। और मेहनत शब्द का क्या अर्थ है? परिश्रम। तो जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, सोच समझ कर काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो कवि
हमें इस कविता में यही बताना चाहते हैं कि जब हम मेहनत करेंगे, सोच समझ कर काम करेंगे, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा में हमेशा अच्छे अंक आते हैं, उसी तरह से। अब आइए, पाठ में हमने जो कठिन शब्द पढ़े हैं एक बार उन्हें दोहरा लिया जाए। सहसा, इस शब्द का क्या अर्थ बताया था मैंने आपको? अचानक। निज, अपना, अक्ल, दिमाग और बुद्धि, मेहनत, परिश्रम। चतुर, होशियार, अक्लमंद। धन्यवाद।